Hi Aries and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Aries? Aries, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot Aries. Aries, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए. अप टू 20% ऑफ ऑन पर्सनल रीडिंग्स. जी हाँ एरीज, मैं पर्सनल रीडिंग पर 20% तक की छूट दे रही हूँ. अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आप बुक करा सकते हो और आपको 20% तक की छूट मिलेगी. मेरा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ओके, ये ऑफर वैलिड है 31 जुलाई तक. ओके, लेट्स चेक एरीज कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है. लेट्स चेक आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है. पहले हम चेक करेंगे एनिमल्स गाइडेंस से कि आपके लिए एनिमल गाइडेंस क्या आती है इस मंथ की. ओके, आपके लिए मैसेज आया फिश का. यू नो व्हाट, फिश रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी. फिश ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फर्टिलिटी. कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग बहुत टाइम से कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, आप जुलाई मंथ में कंसीव कर सकते हो. और इफ़ यू आर कपल ट्राइंग और प्लानिंग फॉर अ बेबी, जुलाई इज वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर यू. सेकेंडली, ये भी एक फिश का ये भी मतलब होता है कि आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत बढ़ रही है, इंट्यूशन लेवल आपका बहुत बढ़ रहा है एंड आप लोग काफ़ी फास्ट एक्शन करोगे. मेरे हिसाब से अगर आप बहुत टाइम से लेजी थे कुछ चीज़ों को लेके, मेरे हिसाब से अब आप वो एक्शन लोगे और वो काम अपना पूरा करोगे. यू नो व्हाट एरीज, जुलाई इज द मंथ ऑफ फर्टिलिटी. सब ज़ोडियाक साइंस में ये बेबी प्रेगनेंसी की एनर्जी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये कुछ तो डिवाइन टाइमिंग चल रही है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी. सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी. ओके, लेट्स चेक आपका सन ऑरिकल से क्या मैसेज आता है. बाय द वे, ये है मेरी न्यू डेक, द ऑरिकल ऑफ द रेडियंट सन. वेरी पावरफुल डेक, बहुत अच्छी डेक है. मुझे एक मंथ लग गया इसे सीखने में. लेट्स चेक इससे आपका क्या मैसेज आता है. ओके, आपके लिए मैसेज आया है जुपिटर इन सैजिटेरियस. सैजिटेरियस की भी एनर्जी बहुत आ रही है. जुपिटर इन सैजिटेरियस विच इज प्रिंसिपल. सी, आई टोल्ड यू इन द फिश राइट कि यू विल बी टेकिंग एक्शन. अगर आप बहुत टाइम से लेजी है या कुछ आपके काम पेंडिंग है, आप उस पर एक्शन लोगे और जल्दी जल्दी वो काम निपटाओगे. जुपिटर इन सैजिटेरियस का यही मतलब होता है कि यू विल स्टार्ट टेकिंग एक्शन, यू विल स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ओवर योर लाइफ. Jupiter in Sagittarius, Jupiter is a card of luxury as well, luxury, fame, name. So which Sagittarius with the fire energy, Aries, I can see that name, fame भी बहुत बढ़ रहा है, आपकी popularity बढ़ रही है. अगर आप media industry में हैं या film line में हैं, so I'm seeing that quite name, fame आपका बहुत बढ़ेगा July onwards से. So very positive card. Sun and moon की energy which I am seeing is यिंग एंड यांग की एनर्जी. और मेरी टैरो डेक उधर रखी है, हैव टू पॉज द वीडियो 1 सेकंड. ओके, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बीइंग्स, एंसेस्टर्स एंड 9 नंबर इज लकी फॉर यू. जनरल रीडिंग फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023. डेक, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट कार्ड, द हर्मिट and very good. पैसों की प्रॉब्लम, वाओ, and with the lovers bottom of the deck. Okay, मुझे जितना दिख रहा है आपका फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो रहा है, पैसे बहुत आते हुए दिख रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड इनकम, अनएक्सपेक्टेड कहीं से पैसे आते हुए दिख रहे हैं. सो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट. जुलाई मंथ में आपका फाइनेंशियल पावर इंक्रीज होते हुए दिख रही है. सेकेंडली, आई एम सीइंग दैट यू आर बिकमिंग दिस वेरी पॉजिटिव, वेरी हेल्पिंग काइंड ऑफ अ पर्सन. आप लोगों की, फ्रेंड्स की काफ़ी हेल्प करोगे, शायद आप पैसे भी बहुत लोगों को उधार दोगे, ये भी होते हुए दिख रहा है. कोशिश करिएगा कि आप दान पुण्य का काम करें, गरीब लोगों की हेल्प करें, छोटे बच्चों को आप कुछ गिफ्ट्स दें, उससे आपका बहुत गुड करना बनेगा. ओवरऑल आई एम सीइंग दैट आप काफ़ी चैरिटी प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत बढ़ रही है. 6 ऑफ पेंटिकल्स का अगर आप राइड अ वेट वर्जन में जाएंगे तो उसमें एक तराजू भी होता है, तो तराजू रिप्रेजेंट्स बैलेंस. और तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी वर्क लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस बना के चलेंगे. ओवरऑल आपकी जो एनर्जी लेवल्स होंगी वो काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी मच्योर, काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है. ओके, विद द हर्मिट एनर्जी आई एम सीइंग दैट काफ़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क करेंगे. सेकेंडली, आई एम सीइंग दैट काफ़ी कुछ पढ़ाई लिखाई या कोई ऐसा कोर्स करोगे जिससे आपका एक लेवल से एक स्केल अप हो. थर्डली, आई एम सीइंग दैट शायद आप इंट्रोवर्टेड रहोगे, आपको लोगों से सोशलाइज करने का मन नहीं करेगा, तो ये एनर्जी मुझे होते हुए दिख रही है. एंड विद द हर्मिट एनर्जी, विद द वर्गो एनर्जी, आई एम सीइंग दैट with purpose, principle, hermit and 6 of pentacles, you want to do everything with perfection, Aries.
आपको आपको टू आप 200% दोगे अपने काम में, अपने गोल्स में, और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा. सो आई एम सीइंग दैट यू आर बिकमिंग मोर डेडिकेटेड, फोकस्ड. जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपकी एनर्जी पूरी फोकस होने वाली, आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे, हर्मिट जोन में आ जाओगे. प्लस आई एम सीइंग दैट आप भले ही लोगों को ये दिखाओगे कि आप बहुत खुश मिजाज किस्म के इंसान हो, बट डीप डाउन यू विल फील सैड. यू विल फील दैट समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ एंड यू विल डू सम इनर सर्च. मेरे हिसाब से आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी काफ़ी जाओगे. सो इट इज़ आई वुड सजेस्ट यू वन थिंग कि सैड नहीं होना है. इफ़ यू आर हैविंग सम क्वेश्चन, रीड बुक्स, टॉक टू योर मेंटर्स, टॉक टू योर गुरु, टॉक टू योर पेरेंट्स, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन गेटिंग दैट पॉजिटिविटी इन लाइफ. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, अगेन एक्वेरियस, एक्वेरियस स्कॉर्पियो टॉरस एंड दिस इज लियो एनर्जी. नो नो, लियो नहीं, ये कौन सा सिंबल होता है, ये होता है केप्रिकॉन. दिस इज केप्रिकॉन, केप्रिकॉन और लियो. ओके एरीज, आई एम सीइंग द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, पैसे, शोहरत. आई सेड ना, ये नेम फेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है. जुलाई में कुछ बहुत अच्छा नेम फेम आपको मिलने वाला है, कुछ ट्रैवलिंग भी होते हुए दिख रही है. आई एम सीइंग दैट किस्मत आपकी चमक रही है जुलाई से, कुछ तो बहुत अच्छी, बहुत खुश खबरियाँ आने वाली हैं जो आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा लाइफ में. ओवरऑल जुलाई इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली लकी फॉर यू. देखो, अगर आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, सैड हो रहे हो, मेरे हिसाब से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज द वे दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ आंसर्स. ओवरऑल आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहने वाला है. ग्रेट कार्ड, ग्रेट एनर्जी. दिस वॉज योर जनरल रीडिंग. लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. हाई एरीज एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. बिफोर बिगनिंग विद दिस वीडियो, मैं चाहती हूँ आप अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई एक प्रश्न पूछो और मैं आपको एक आपके उस प्रश्न से रिलेटेड एक आंसर निकालूंगी. आई होप वो आंसर आपको आपकी लव लाइफ में रेजोनेट हो, या एनी काइंड ऑफ लव गाइडेंस इफ यू रिक्वायर, वो मैं आपको इस डेक से निकाल के बताऊंगी. ओके, आंसर्स फॉर एरीज लव लाइफ क्वेश्चन. ओके, लेट्स चेक. वेरी लॉन्ग मैसेज. ओके, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस. लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म. एरीज, क्यों कमियां निकाल रहे हो? कमियां नहीं निकालनी, प्यार से चीज़ें करनी है. लव एंड एक्सेप्टेंस इज द की फॉर यू, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा. क्रिटिसाइज करोगे, ब्लेम गेम करोगे, तो रिश्ता वैसे भी नहीं चलने वाला. ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए. ओके, ऑरेकल डेक से चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेज है. लेट्स चेक. गेटिंग टू नो ईच अदर, नाइस कार्ड. ट्विन फ्लेम टेलीपैथी. ओके, फ्लर्ट. आई एम सीइंग दैट आप लोग एक दूसरे के सपने में आ रहे होंगे या टेलीपैथी हो रही है. गेटिंग टू नो ईच अदर, बातचीत काफ़ी चल रही है. लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ जुलाई 2023. करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, द हैंड वन. फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पार्टनर, जस्टिस. ओके, योर एनर्जी, ओ सेवन ऑफ सोर्ड्स, इट हैज कम इन योर एनर्जी एंड पेज ऑफ वंड्स. ये आपकी एनर्जी में आया एरीज. ओके, यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विथ पाइसीज, वर्गो, लिब्रा, केप्रिकॉन, टॉरस एंड अनदर एरीज. एरीज, मेरे हिसाब से एरीज, आप चाह आपका ऐसा सीन है एरीज, जितना मुझे दिख रहा है, कि आपको सारे कर्म करने हैं, सारे कांड करने हैं, बट आप चाहते हो सामने वाला हमेशा फॉरगिविंग रहे, हमेशा माफ़ करे, आपके चरणों की धूल चाटे, है ना? चाहते हो ना ऐसा एरीज? मैं जानती हूँ एरीज को, मैं तो जानती हूँ आप लोग को. आई एक्चुअली डोंट, ऑनेस्टली डोंट लाइक एरीज दैट मच. अगर पर्सनली दे पूछ बताऊँ तो, आपकी जो एनर्जी है, यू वॉन्ट टू ट्रीट योर पार्टनर लाइक हेल, यू डोंट रिस्पेक्ट देम, यू डोंट केयर फॉर देम, बट यू वॉन्ट देम कि वो आपके चरणों पर बिछ जाए. एक तो ये मुझे स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है. आप बहुत डांट खाने वाले हो एरीज आज के वीडियो में. करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, दे आर वेरी बिजी इन देयर वर्क. मेरे हिसाब से वो अब आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपकी परवाह नहीं करते, अब
अपने काम में बिजी हैं और मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दे आर टॉकिंग टू सम अदर पर्सन एंड द रीजन दे आर टॉकिंग टू सम अदर पर्सन इज बिकॉज ऑफ योर ओन ओन कर्मा एरीज. आप खुद आप अपने अंदर की कमियां नहीं देखोगे, आप हमेशा सामने वाले के ऊपर ब्लेम करोगे और खुद को विक्टम बनाओगे. स्टॉप डूइंग दैट एरीज. तो करेंट एनर्जी है, दे डोंट केयर फॉर यू, दे आर बिजी इन देयर लाइफ, दे आर बिजी इन देयर वर्क एंड येस दे आर टॉकिंग टू समवन एल्स. करेंट एनर्जी ये है. बात करी जाए इंटेंशन की, इंटेंशन तो दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू बट दे डोंट वॉन्ट टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन टूवर्ड्स यू. उनका इंटेंशन कुछ नहीं है, उनका इंटेंशन है वो बस आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. उनका इंटेंशन ये है कि वो अपने आप को अब वो अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज कर रहे हैं. आई एम सो सॉरी, जो ये कार्ड्स आए हैं और आपके पास जो कार्ड आया वो अजीब है. इंटेंशन दे आर वैल्यूइंग देम सेल्फ, दे आर नोइंग, और ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है एंड दे आर रियलाइजिंग देयर सेल्फ वर्थ. इंटेंशन ये कि वो आपके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते. फ्यूचर की बात करें जाए, जस्टिस का कार्ड है, दे विल बी कॉर्डियल टू यू. फ्यूचर में बता रही हूँ ना, दे विल बी कॉर्डियल टू यू, दे विल टॉक टू यू नाइसली, बट देर इज नो रिलेशनशिप. वो आपके साथ एक लव रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं. वो बस एक एक्वेंटेंस जैसे कहते हैं ना कि हाय हेलो बात कर लिया दैट्स इट, उससे ज़्यादा उनका कोई फ्यूचर में एक्शन नहीं है. चलो अगर आप धोखेबाज एनर्जी नहीं हो, आपने हमेशा से अच्छा अच्छा किया अपने पार्टनर के लिए, देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू इज़ नथिंग, दे डोंट वॉन्ट टू डेट यू, दे विल नॉट कम इन अ रिलेशनशिप विथ यू. बहुत क्लियरली बता रही हूँ एंड यू ऑलरेडी नो दिस थिंग. आपको पता है कि वो नहीं आएंगे रिलेशनशिप में, वो इंटरेस्टेड नहीं है, तब भी आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो. तो भाई हम क्या करें, आपकी एनर्जी तो भाई क्या बोलूँ. आप खुद आपने तो मल्टीपल मल्टीपल पार्टीज रखी हुई हैं अपने पास. आपका खुद का आपका इंटेंशन नहीं है कि इनके साथ शादी करने का या कुछ करने का, आपको बस मज़े करने हैं इनके साथ, आपको मज़े करने हैं, आपको टाइम पास करना है. यू आर नॉट सीरियस फॉर देम. और वो जो आपका पार्टनर है ना, वो रियलाइज कर चुका है कि आपके भी इंटेंशन कुछ अच्छे नहीं है एंड दैट इज वाई दे आर डूइंग टिट फॉर टैट. और अब आपको बुरा लग रहा है काफ़ी. सो एरीज, अपने अंदर जो इश्यूज है ना उसको ठीक करो. इफ यू वॉन्ट कि सामने वाला आपके लिए सीरियस हो जाए और प्यार में पड़ जाए, तो आपको भी सीरियस या प्यार में पड़ना वाली एनर्जी रखनी पड़ेगी. आपको समझ आप समझ रहे हो, इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ लव रिलेशनशिप अ लव लाइफ देन यू ऑल्सो हैव टू बी दैट पर्सन. इफ यू आर मैनिफेस्टिंग, ये जो आप जो 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 ये ड्रामे चल रहे हैं ना कि मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करो कि आपको बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ मिले, अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले एरीज, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, आपको खुद उस लायक बनना पड़ेगा. आप चाहते हो कि एक सच्चा लॉयल जेन्युइन इंसान आपकी लाइफ में है, तो आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इफ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ देन बी दैट थिंग. अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको सब करना है, तो मेहनत करनी पड़ती है. अगर आपको एक सच्चा इंसान चाहिए तो आपको भी एक सच्चा इंसान बनना पड़ता है. ऐसे नहीं चलता है. और लाइफ तो और अनफेयर है, आप सच्चा इंसान बन के भी आपको शायद ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा, वो किस्मत के ऊपर होता है. बट यू हैव दिस एक्सपेक्टेशन एरीज दैट पीपल अराउंड यू शुड वैल्यू यू, शुड बी ऑनेस्ट विथ यू, बट आप खुद वैसे नहीं हो. आपको ना अंदर ये इसलिए हर्मिट की एनर्जी आई थी, वही मुझे दिख रहा था कि जनरल रीडिंग ऑलवेज गेट्स कनेक्टेड टू द लव लाइफ रीडिंग. व्हाई द हर्मिट एनर्जी केम इन द जनरल रीडिंग इज बिकॉज यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन वर्क. दैट इज व्हाट मुझे हर्मिट का मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं होता, बट बार बार मुझे ये मैसेज आ रहा था दैट यू शुड गो टूवर्ड्स द स्पिरिचुअलिटी जोन एंड यू शुड. इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप अपना नेचर तो सुधार नहीं रहे हो, खुद झूठ बोलते हो और एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले से कि वो सच बोले. तो काइंडली, ये फ्लर्ट ना, ये आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हो. फ्यूचर पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है. लुक, आई वुड से वन थिंग एरीज कि रिलेशनशिप हो सकता है आप लोग, बट मेरे हिसाब से ना, अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आपको लेट गो कर देना चाहिए. अगर 2 महीने से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो मेरे हिसाब से आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए. या अगर आप लोग की बातचीत चल रही है और कुछ फ्यूचर नहीं है, मेरे हिसाब से आप लोग का कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज यू डिजर्व समवन मच 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 बेटर एरीज. दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू. और मेरे हिसाब से आपने जो गलतियाँ इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ की हैं, आपको अब वो रियलाइज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. सो ओवरऑल मैं बोलूँगी तो मुझे तो कोई फ्यूचर रिकन्सिलिएशन रिलेशनशिप कुछ भी नहीं दिख रहा है. ये एकदम
दलदल में चल चुका है ये, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. दिस वीडियो कैन बी एटलीस्ट 1 आवर लॉन्ग, बट आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट सच लॉन्ग, क्योंकि कोई सुनने नहीं वाला. कोई और प्रॉब्लम से आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं, 20% ऑफ है. अदरवाइज दिस वॉज योर लव लाइफ रीडिंग. आई होप यू लाइक माई रीडिंग. इफ यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.